आपने देखा होगा कि आजकल हर किसी के घर में कोई न कोई गाड़ी होती ही है, भले ही वो बाइक हो या फिर कार। उन्हें कहीं भी जाना हो तो फटाफट गाड़ी निकालकर चल पड़ते हैं। अब आप कहोगे कि ये तो आजकल आम बात है, इसमें क्या नई बात हुई। लेकिन आज हम आपको जिस गांव के बारे में बताने वाले हैं, वहां लोगों के पास 2 या 4 पहिया गाड़ी नहीं बल्कि सीधा हवाई जहाज रहता है। उनके लिए ये उतना ही सामान्य है जितना हमारे लिए सड़क पर गाड़ियां दौड़ाना। इन्हें छोटे से छोटे काम के लिए भी जाना हो तो ये प्लेन निकाल लेते हैं। ये बात कोई मजाक नहीं है, वाकई अमेरिका के कैलिफोर्निया में ऐसा गांव मौजूद है जहां पर हर किसी के घर के सामने गाड़ी की जगह पर एक एयरक्राफ्ट खड़ा रहता है। इन्हें कहीं भी जाना हो वे प्लेन निकाल लेते हैं और उड़ जाते हैं। ये गांव पहली बार चर्चा में तब आया जब इससे जुड़े हुए वीडियो सोशल मीडिया पर लोग सर्कुलेट करने लगे। इस जगह पर सड़कें भी रनवे की तरह लगती हैं। दरअसल कैलिफोर्निया के कैमरन एयर पार्क नाम की इस जगह पर सामान्य सड़कें नहीं हैं, बल्कि काफ़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनी हैं ताकि इनका इस्तेमाल रनवे की तरह हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए किया जा सके। गांव के हर घर के बाहर आपको गैराज की तरह ही हैंगर बने हुए दिख जाएंगे और लोग यहीं पर अपने एयरक्राफ्ट को खड़ा करते हैं। जब भी उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत होती है वे हवाई जहाज से ही उड़कर जाते हैं। अब चूंकि प्लेन को आम लोग तो चला नहीं सकते, इसलिए यहाँ रहने वाले लगभग सभी लोग पायलट हैं और अपने प्लेन को वो खुद ही उड़ाकर ले जाते हैं। इस तरह के गांवों को एक तरह की फ्लाई इन कम्युनिटी कहा जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक अमेरिका में ऐसे 610 एयर पार्क हैं जहां रहने वाले लोगों के पास अपने प्लेन हैं। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो एयरफील्ड बने थे उन्हें बदला नहीं गया और उन्हें ही आगे चलकर रेसिडेंशियल एयर पार्क बना दिया गया, इसलिए यहां सिर्फ रिटायर्ड मिलिट्री पायलट रहते हैं। 1946 के दौरान अमेरिका में कुल 4 लाख पायलट थे जिन्होंने ऐसे एयर पार्क में रहना शुरू किया और यह भी 1963 में ही बना था और यहाँ कुल 124 घर हैं। यहाँ की सड़कों के नाम और स्ट्रीट साइन भी एयरक्राफ्ट फ्रेंडली हैं। दरअसल सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका में पायलटों की संख्या 4 लाख से ज़्यादा हो गई थी, लेकिन जब लड़ाई खत्म हुई तब कई प्लेन बेकार हो गए। इस वजह से अमेरिका की द सिविल एरोनॉटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन ने आवासीय कॉलोनी बसाकर एयर पार्क बनाने का निर्णय लिया। इसमें खाली हुए एयर स्ट्रिप्स में रिटायर्ड मिलिट्री पायलट को बसाने का निर्णय लिया गया। इन कॉलोनीज को फ्लाई इन कम्युनिटीज कहते हैं, जहां हर घर के बाहर कार स्कूटर नहीं बल्कि हवाई जहाज लगा रहता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें।